नमस्कार, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ अल्फा रेजिमेंट। जी हां दोस्तों, जहां पर हम अलग अलग तरीकों के डिफेंस से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सटीक और सही जानकारी दे और डिफेंस से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचाए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अब कोई क्यों चांद पर नहीं जाता। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने एक बात कही थी कि इंसानियत के लिए एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग साबित होगा। 1969 जुलाई 21 की तारीख को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रख के इतिहास रच दिया था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पूरे दुनिया के पहले इंसान थे। अपोलो मिशन के तहत ये अमेरिका ने ये कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद अतिरिक्त 5 बार अमेरिका ने अपने मून मिशन को अंजाम दिया। साल 1972 में आखिरी बार इंसान ने चांद की जमीन पर कदम रखा था। यूजीन सरोन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। अब तक आपने 1972 के बाद से कई मून मिशन की बात सुनी होगी, कई ऑपरेशन को सक्सेस और फेल होते देखा होगा, लेकिन ऐसा क्या है कि 1972 के बाद से कोई भी देश चांद पर अपने इंसानों को नहीं भेज रहा है? आइए जानते हैं असली वजह। दुनिया में तमाम तरह के स्पेस एजेंसी हैं, जैसे इसरो, नासा, ईसा, जिन्होंने अपने कारनामों से काफी नाम हासिल किया है और अपने देश का परचम लहराया है, लेकिन इतनी बड़ी स्पेस एजेंसियां क्यों इंसान को चांद पर नहीं भेज रहे हैं? नासा विश्व का सबसे बड़ा और अमीर स्पेस एजेंसी है, वो अब अपने मैन मिशन को लेकर अब कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? ना ही कोई अपडेट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इन सब की वजह है बजट। जी हां दोस्तों, इन सब की वजह है बजट। दरअसल चांद पर मैन मिशन के ना होने के पीछे असली वजह है बजट। चांद पर किसी भी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है और इंसानों को भेजने के बाद भी स्पेस एजेंसी को कम फायदा हुआ है। अब तक जितने भी मैन मिशन हुए हैं उसमें देश के वैज्ञानिक दिलचस्पी कम और राजनीति षड्यंत्र और बोर्ड में ये किया गया है। हालांकि 2017 अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो फिर से इंसानों को चांद पर भेजेगा और कुछ दस्तावेजों पर ट्रंप ने भी साइन किए थे। हालांकि दूसरे मिशन पर ध्यान की वजह से ये ऐलान दब कर ही रह गया। ये भी एक वजह है कि चांद पर इंसानों को भेजने पर स्पेस एजेंसी कम ध्यान दे रही है। चांद पर जाने की योजना, प्राइवेट और सरकारी दोनों तरीकों से चांद पर जाने की तैयारी पहले भी हुई है, जिसमें सिर्फ चांद पर जाने की बात ही नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन को सेटअप करने की बात भी कही गई थी। एक अलग एंगल से देखें तो चांद पर कभी इंसानों को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। दरअसल ऐसे मिशन के लिए खास मकसद के होने की जरूरत है और अभी तक जितने भी मिशन हो रहे हैं वो इंसान को भेजे बिना सफलतापूर्वक पूरे कर लिए जा रहे हैं। इंसान को चांद पर भेजना उसके और उसके परिवार के जीवन को दांव पर लगाने वाला काम है, जो कि कोई भी स्पेस एजेंसी अब नहीं करना चाहती। इंसानों की जगह रोबोट और मिशन ज्यादा काम कर सकते हैं और नष्ट होने पर भी कोई खास नुकसान नहीं है। अब तक चांद पर कौन कौन जा चुका है? अब तक चांद पर 12 लोग जा चुके हैं। सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन ने यह गांव हासिल किया है। अपोलो मिशन के तहत सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। 1969 21 जुलाई को उन्होंने ये कारनामा किया था। अमेरिका ने साल 1969 में ही अपोलो 12 मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन में एलन बिन भी चांद पर गए थे। इसके बाद अपोलो 14 को 1971 में अंजाम दिया गया था, जिसमें एडगार मिशेल और एलन सैफर्ड चांद पर गए थे। अपोलो 14 के तहत अपोलो 15 मिशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें डेविड स्कॉट और जेम्स एड्रिन चांद पर गए थे। उसके बाद अपोलो सीरीज में 16 में जॉय यंग और अपोलो 17 में हैरिसन स्मिथ और यूजी सरनोन चांद पर जाने वाले आखिरी इंसान थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।